बचपन में मेरी मम्मी ने सिखाया था कि बेटा चंदा को मामा कहते हैं, और बाद में उसी करवा चौथ के दिन ये सारे के सारे लोग मामा को देखने छत पर क्यों जाते हैं? और फिर छन्नी में चंदा मामा को देख कर फिर हमारे पापा को देखा जाता है। सर आपको इस सवाल का जवाब मिले तो बताना, वरना मैंने पूछा तो उड़ती हुई चप्पल जो है वो चेहरे पर आई थी। वेलकम ऑन माई व्लॉग चैनल। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ अपना रूम, और करवाऊंगा एक छोटा सा रूम का टूर। फिलहाल जो है मेरी बहुत सारी मीटिंग्स इस रूम में मैं लेता रहता हूँ, तो पर्सनली ये रूम किसी तरीके से डेकोरेट नहीं था, तो फाइनली इस रूम को थोड़ा सा मैंने डेकोरेट करने की कोशिश की है। अब बताना कैसा लगा आपको। तो वैसे मैंने अपने रूम की इस वॉल को चूज़ किया है, मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगा अपने तरीके से। फिलहाल एक वॉल ये है और एक ये है, तो फिलहाल इसको और इसको हम छोड़ते हैं, इस वॉल को फिर डेकोरेट करने का सोचते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करी हैं जो मेरे पास रखी हुई थी। वो ये दो ट्रॉफी हैं जो मुझे मिली थी, ये थर्ड ट्रॉफी है और ये मेरा एक गिफ्ट के तौर पर मुझे मिला था। तो अभी इन तीनों को और खैर ये चार चीज़ें हैं, ज़रा चेक करते हैं यहाँ पर ये कैसी लगेंगी। इसके बारे में आपको बताया था सर, मैं ये जो BMW की है, जब मैंने पहली बार अपनी कार ली थी क्रेटा, तो उस समय स्टेज पर मुझे ये की एज अ गिफ्ट के तौर पर दी गई थी, पर मुझे लगा शायद वो ह्यूंडई की होगी, पर मुझे ये BMW की दी गई। होप सो देखते हैं, अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहा और मैं मेहनत करता रहा तो शायद एक दिन ये जो BMW की है वो शायद मेरे पास हो। वैसे मैंने कभी ट्राई तो नहीं करा, पर मैं कुछ वीडियोस को देख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने व्लॉग के अंदर कुछ कुछ चीज़ें और अच्छी करता रहूँ। तो मैंने एक वीडियो सीखी थी कि किस तरीके से आप सिनेमैटिक शॉट जो है वो ले सकते हो, तो मैं ट्राई करता हूँ इसका एक बार सिनेमैटिक शॉट लेने के लिए, शायद हो सकता है अच्छा आ जाए। तो मैं व्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप मुझे बताना सिनेमैटिक शॉट की मेरी जो कोशिश है वो आपको कैसी लगी। शॉट जो है वो डन हो चुका है। फिलहाल जो है मैं अपने फ़ोन से ही व्लॉग को शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सैमसंग का नोट 9। मुझे पता है ये शूट और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था, पर मैं कोशिश करूँगा जल्दी से DSLR लेने की। मैंने अपने अगले ड्रीम लिस्ट के अंदर वो DSLR की प्लानिंग कर ली है, तो धीरे धीरे सीखने की कोशिश है बस। अभी तो मैं पूरी तरीके से एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर फिर भी सीखे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है ना। ये मेरा कॉलेजन है जो रेडी हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है इसका, तो टेस्ट इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ब्लैक कॉलेजन यूज करने वाला हूँ। देखते हैं, ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा ये स्किन के साथ साथ आपकी बॉडी मसल्स के लिए और बोन्स के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसके बारे में आप सर्च करके तो आपको और भी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या क्या इसके फायदे हैं। अगर आप डेली इसको यूज़ करना चाहें तो एकदम कर सकते हैं। मेरी
टेबल है जहाँ पर मैं अपनी कुछ मीटिंग्स करता हूँ, कुछ वर्क करता हूँ। और ये जो आप फ्लैश लाइट देख रहे हैं, ये मैंने खुद से डिज़ाइन करी थी। ये मेरा प्लानिंग बोर्ड है जहाँ पर मैं अपनी कुछ प्लानिंग्स को करके रखता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मेरे कुछ बुक्स मटेरियल है जो मैं डेली पढ़ने के लिए, छोटा सा डस्टबिन है। तो एक छोटे से कमरे को मैंने किसी तरीके से सेटअप करने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर जो काम है वो इसी रूम के अंदर पड़ते हैं। इस पर्दे के पीछे क्या है? इस पर्दे के पीछे कुछ नहीं, एक बहुत प्यारी सी अच्छी सी बालकनी है जहाँ पर कुछ फूल हैं। बाकी बाहर पूरा का पूरा अंधेरा है, तो इसलिए बाहर मैं आपको कुछ नहीं दिखा सकता। हाँ, वो चांद ज़रूर आपको एक अच्छा सा दिख रहा है। कल इसने करवा चौथ के दिन बड़ा परेशान किया था, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी और ये दिख ही नहीं रहा था। ये मेरी वो नीचे जो आप देख रहे हैं वो मेरी बाइक खड़ी है। फिलहाल कार खड़ी करने की जगह नहीं है तो वो पार्किंग में ही रहती है। तो खैर, पहले जब मैं सेशन लेता था तो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड होता था। अभी जो बैकग्राउंड रहेगा वो समथिंग कुछ इस तरीके का रहेगा। फिलहाल अभी मेरा जो चेहरा है वो आधा आ रहा है, मैं इसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो सेशन में जो बैकग्राउंड रहने वाला है वो कुछ इस तरीके का रहेगा। अगर ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, वरना कमेंट में जब आप शेयर करेंगे आपके कमेंट तो शायद मैं इसे चेंज करूँगा। बाकी अगर ये परफेक्ट है तो हम आगे से इसी को डन रखेंगे। थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग चैनल पर आने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। धीरे धीरे मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर आपका इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहा तो ये मेरी यूट्यूब की फैमिली और बड़ी होती चली जाएगी। और जैसे ही ये लॉकडाउन जल्दी से खुलता है तो मैं आपको अलग अलग जगह पर टूर पर लेकर जाऊंगा, और जो मेरे एक्सपीरियंस रहे वो मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगा। थैंक यू सो मच।